नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी बच्चों की फेवरेट चाउमीन है। नूडल्स को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े पतीले में लगभग पौना पतीला पानी लिया है। इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच तेल। तेल ऐड कर लेने से नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। अब पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैकेट 200 ग्राम नूडल्स लिया है। नूडल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर हक्का नूडल्स का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हम पानी में ऐड कर देंगे और इसे चम्मच से थोड़ा मिक्स कर देंगे। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि ये पतले हैं इसलिए इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये बॉईल हो गए हैं, अब गैस को बंद कर इन्हें तुरंत एक स्ट्रेनर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। नूडल्स अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए इन्हें ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। एक पैन लेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च। ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह लंबे टुकड़ों में काट लिया था। अब इन सभी को थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। प्याज थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब इसमें बाकी की सब्जियों को भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और थोड़ा सा हरा प्याज। सभी सब्जियों को मैंने यहाँ पर पतले और लंबे टुकड़ों में काटा है। साथ ही आप अपनी सुविधा के अनुसार इनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी सब्जियों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन थोड़ी क्रंची है, इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है। अब इसमें हम सॉसेज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे 4 चम्मच टोमेटो केचप, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सेजवान सॉस। सभी सब्जियों और सॉस को मिक्स करते हुए चला लेंगे। सब्जियाँ और सॉस अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, अब इसमें हम नूडल्स ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि इसमें जो हमने सोया सॉस ऐड किया है उसमें भी नमक होता है। अब हाई फ्लेम पर नूडल्स के साथ सभी सब्जियों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। नूडल्स रेडी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और आखिर में इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो लीजिए, तैयार है मार्केट स्टाइल वेज नूडल्स। आप भी अपने घर पर इस वेज नूडल्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बेहद पसंद आने वाली है। और यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।